हेलो भाई, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न स्मार्ट पर। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को लोकल सर्वर से लाइव सर्वर पर कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, वो भी बिना प्लगइन की सहायता से, जिसको आप मैन्युअली करेंगे। ओके, सो गाइस, हमने इस टाइप की एक वेबसाइट बनाई थी। ओके, तो अगर आपने हमारे ट्यूटोरियल्स वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो ये हमारी वेबसाइट थी। ओके, सो गाइस, हम इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे लाइव सर्वर पर। ओके, तो ये जो जितना भी कंटेंट सब हमारा A to Z ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, बिना किसी दिक्कत के। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। ओके, सो सबसे पहले आप लोकल होस्ट अपना जो डेटाबेस है उसका बैकअप लीजिए यहाँ से, HPMyAdmin से। तो लॉगिन कीजिए, सो न्यू साइट, ये हमारा डेटाबेस है। ओके, सो एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए। और गैस, यहाँ से आप क्विक और कस्टम दोनों कर सकते हैं। कस्टम करेंगे तो आपको सब सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। सो क्विक पे क्लिक कीजिए और गो कीजिए, तो यहाँ से आपका डेटाबेस डाउनलोड हो जाएगा। ओके, सो थोड़ा टाइम लेगा, अगर आपकी साइट थोड़ी बड़ी है तो टाइम लेगा, नहीं तो स्पीडली हो जाएगा। ओके, सो देखिए ये फास्ट हो गया। जहाँ आपकी वर्डप्रेस फाइल पड़ी है, वेबसाइट फाइल पड़ी है, वहाँ जाइए। ओके, सो देखिए हमारी जो ये है वेबसाइट न्यू करके फोल्डर है वैम्प के अंदर। ओके, WWW के अंदर। ओके, सो इसको आप जिप में कन्वर्ट कीजिए। ओके, राइट क्लिक कीजिए और ये ऐड टू अचीव। ओके, जिप पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कीजिए। ठीक है, सो ये जिप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ से मैंने पहले से कर रहा है तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। ओके, ठीक है, सो देखिए मैंने ये पहले से कर रहा है। ओके, सो इसके बाद क्या करना गाइस आपको, इसके बाद जो ये जी फाइल हमारी, इसको हमने जो लाइव सर्वर है हमारा, ओके, उसमें अपलोड करना है। ठीक है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो सीधा डायरेक्ट आप सी पैनल या किसी अदर पैनल जो भी आपका पैनल है उसमें अपलोड कीजिए, या तो आप फाइलजिला के थ्रू अपलोड कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, उसके बाद आप अपना होस्टिंग पैनल ओपन कीजिए किसी भी ब्राउजर में। ओके, सो मेरा जो होस्टिंग पैनल है प्लेस्क है। ओके, सो मैं यहाँ से प्लेस्क पैनल से अपलोड कर रहा हूँ। ओके, सो आपका कोई भी पैनल हो सेम, उसमें आप लॉगिन कीजिए। सो गाइस, लॉगिन करने के बाद कुछ स्टेप का इंटरफेस दिखेगा आपको, और हर पैनल का अलग अलग इंटरफेस होता है। यहाँ पर मैंने डेमो सब डोमेन क्रिएट किया अपनी वेबसाइट का। ओके, सो गाइस, अगर आपने अपना डोमेन सेटअप नहीं किया है तो यहाँ से ऐड डोमेन पर क्लिक करके यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, बहुत इजी है। सो गाइस, सबसे पहले आप जाइए फाइल्स में। ओके, फाइल्स में जाइए और अपने डोमेन पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद HTTPS। ओके, HTTPS में जाना है आपको, जो आपने जिप फाइल बनाई थी अपने वर्डप्रेस वेबसाइट फाइल्स की, उसको यहाँ से ड्रैग करके, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यहाँ अपलोड कर सकते हो। ओके, यहाँ पर एक ऑप्शन अपलोड का भी है, उसमें क्लिक करके भी आप अपलोड कर सकते हो। ओके, सो ये 41.2 MB का है। सो जितनी बड़ी आपकी साइट होगी उतना ज़्यादा यहाँ पर ये अपलोडिंग में टाइम लेगा। ओके, तब तक के लिए मैं ये वीडियो पॉज कर देता हूँ। ओके, सो गाइस, हमारी जिप फाइल अपलोड हो गई है। ओके, तो इसको हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल्स। ओके गाइस, जब आप यहाँ जो जिप फाइल अपलोड करोगे तो शायद यहाँ पर कुछ फोल्डर या फाइल्स हो सकती हैं, तो उन्हें रहने दीजिए। ओके, उनको आप डिलीट भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। ओके, तो इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं गाइस। और इसके अंदर गए हम, सो हम इसको सिलेक्ट ऑल करते हैं, यहाँ से कॉपी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर अपलोड कर दिया हमने। ठीक है, सो ये हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हो गया रिमूव। ओके, आप इसे भी रिमूव कर सकते हैं, जो जिस फाइल हमने अपलोड करी थी उसे भी, तो इसे रहने दीजिए फिलहाल बैकअप के लिए। सो अभी हमारी फाइल अपलोड हो गई। ओके, सो अब हम डेटाबेस में जाएंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस में गए तो जो हमारा डोमेन है उसमें जाएंगे, तो यहाँ देखिए ऐड डेटाबेस का ऑप्शन है, तो आपका कोई भी पैनल हो उसमें भी ऐड डेटाबेस का ऑप्शन होगा। ओके, तो यहाँ आप डेटाबेस का नाम ऐड कीजिए, तो यहाँ पर हम फिगर्स लर्न टू स्मार्ट और यूज़र नेम हम रखते हैं एडमिन, और पासवर्ड कुछ भी रख दीजिए आप जो आपको सही लगे, तो मैं रखता हूँ LEA। ओके,
हम यहाँ शो कर सकते हैं, जनरेट भी कर सकते हैं ऐसा। ओके तो इसको कंफर्म पासवर्ड कीजिए, पेस्ट। ओके बस यहाँ से डेटाबेस आप ओके करके क्रिएट कीजिए। एडमिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो यहाँ पर लिखते हैं एडमिन ओके रन टू स्मार्ट पासवर्ड है। ओके यहाँ से क्रिएट कीजिए। तो बस देखिए आपका डेटाबेस यहाँ से क्रिएट हो गया है। ओके तो ये देखिए पीएचपी माय एडमिन, तो यहाँ से आप इस पर जाकर अपने डेटाबेस में पीएचपी माय एडमिन में जा सकते हैं। ओके सो ये देखिए आपका डेटाबेस, तो यहाँ से गाइस आपको अपना डेटाबेस इंपोर्ट करना है, जो आपने लोकल होस्टेड डेटाबेस डाउनलोड किया था उसे यहाँ पर आपने इंपोर्ट करना है। ओके तो चूज फाइल कीजिए, चूज फाइल। यहाँ से वो पे क्लिक कीजिए, तो भाई डेटाबेस इंपोर्ट हो गया है। ओके तो अब हम चलते हैं अपनी साइट में, फाइल्स में गए और यहाँ डोमेन, डोमेन फाइल में। तो देखिए यहाँ आपको क्या ओपन करना है, जो डबल पी कंफ्यूज फाइल है। ओके पहले आप डाउनलोड कीजिए, यहाँ से डाउनलोड, तो एक बैकअप आ जाएगा। ओके तो अब इसको ओपन कीजिए, देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, डेटाबेस नेम चेंज करना है। तो डेटाबेस का नाम हमारा लर्न टू स्मार्ट है, जो अभी हमने ठीक है इस जो रूट हमारा, यूजर नेम है हमारा लर्न टू स्मार्ट। ओके और पासवर्ड है हमारा लर्न तो और कहीं नहीं छेड़ना हमने, उसको सेव किया। ओके ये सेव हो गया, और उसके बाद गाइस आपको यहाँ डब्ल्यू पी ऑप्शन में जाना है। ओके डब्ल्यू पी ऑप्शन में गए। ओके सो यहाँ से आपको ये लोकल होस्ट है। ओके तो इसका इसको जो यहाँ से एडिट करना है, जो होम यूआरएल और साइट यूआरएल को आपने चेंज करना है, तो इसको यहाँ से चेंज करके आपका जो साइट यूआरएल है उसको यहाँ पर याद रखिए आपका HTTPS है। ओके तो यहाँ से इसको और होम यूआरएल सेम उसको ऊपर वाले को कॉपी कीजिए और इसको कॉपी कीजिए यहाँ पर। ओके ये हो गया। तो गाइस आपको अपने डेटाबेस में क्लिक करना है। ओके और यहाँ से SQL में जाना है, यहाँ पर एक अपडेट क्वेरी लिखी है। ओके यहाँ पर लोकल होस्ट से आपकी वेबसाइट रिप्लेस हो जाएगी। ओके तो यहाँ पर अपना जो लोकल होस्ट का पाथ है वो लिखिए, तो हम लोकल होस्ट का पाथ लिखें। ओके तो ये हमारा लोकल होस्ट का पाथ है और जो हमारी लाइव साइट है उसका पाथ हमारा, उसका पाथ गाइस हमारा ये है। ओके तो यहाँ से आप इसको इतना कॉपी कीजिए, इतना कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए। और यहाँ पर याद रखिएगा कि आपको S जरूर लगाना है, अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर है या आपने SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर रखा है तो S लगाना मत भूलिए। ओके ओके ऑल सेट। तो गाइस आप इसको वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं। ओके तो गो पे क्लिक कीजिए, तो ओके पे क्लिक कीजिए। तो गाइस कुछ एरर बता रही है। ओके तो यहाँ पर देखते हैं क्या एरर है। तो गाइस डब्ल्यू पी पोस्ट में आप गए तो यहाँ पर अपडेट क्वेरी यूज कर सकते हैं। ओके तो अपडेट क्वेरी के लिए हम इसे यूज करेंगे, तो ये है डब्ल्यू पी पोस्ट में गई और यहाँ से ये अपडेट क्वेरी लिखी। ओके गाइस तो वहाँ नहीं लिखना है, डब्ल्यू पी पोस्ट में हमने इसको पेस्ट करना है। ओके सो गो पे क्लिक कीजिए। तो गाइस हमारा
सारा यहाँ पर जो है यहाँ पे मैंने लगाया। ओके, वो पे क्लिक कीजिए, तो ये आपका हो गया है। तो यहाँ से जो आपका डोमेन होगा इसको आप लाइव पर लाइव में देख सकते हैं। ओके, तो ओपन इन वेब, देखिए गाइस आपकी वेबसाइट बिल्कुल लाइव हो गई है। ओके, तो ये आपका जो देखिए पूरा कंटेंट आपका दिख रहा है। ओके, देखिए ये है सेम है, ये है, ये है, ये है राइट बार है, ये है, और ये लोगो नहीं दिख रहा। ओके, तो लोगो गाइस यहाँ से आसानी से लॉग इन करके अपलोड कर सकते हैं। अगर जो आपका पासवर्ड है वो सेम रहेगा, लोकल उसका पासवर्ड था वो सेम पासवर्ड आपका होगा, तो देखिए यहाँ से। ओके, ये हमारा पासवर्ड था, तो लॉग इन कीजिए यहाँ से। ये देखिए लॉग इन पेज हमने कस्टमाइज किया था, उसमें ये भी सेम आना है। ओके ओके, तो इस टाइप से आप अपनी वेबसाइट को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, लोकल टू लाइव। सो आशा करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।